चेकिंग ऑफ प्रैक्टिस दे दो न्यूमेरिकल्स जेडे आपां हुण दित्ते सी ओह भी सौखे नहीं, थोड़े जे उहदे विच नवे नवे चन फार्मूले पाए, वह जानबुझ के पाए गए सी ताकि तुसी सोचो इन्हां बारे भी असी किस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जिहड़े होर कंसैप्ट है नवेचर एनालिसिस दे किवें सॉल्व हुंदे हैं। तां पहला मैं सॉल्व करांगा ये थोड़ा फर्स्ट पोर्शन चेकिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मूला का गिवन प्रॉब्लम दे विचों। तां इत्थे एच दी हाइट हुण लिखाया सी, एच हाइट है, हाइट एक लेंथ ही है, इहदा डायमेंशन फार्मूला की होगा लेंथ, तां डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैं इतने चेक करना है, जो डिमेंशन लैफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो फार्मूला सही होगा। तो हम मैं डिमेंशन और लैफ्ट हैंड साइड के हाइट पर ही है, क्योंकि दो पासे हैं इक्वेशन के, राइट एंड लैफ्ट इक्वल तो देखना, इधर राइट है इक्वल तो इधर लैफ्ट है, तो लैफ्ट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन हाइट का की है, हाइट एक लेंथ है एल वन। हम डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का देखा मैं पता है टू का भी डिमेंशन लग रहा होने, ये तो एक नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होंगे, दो तीन पांच सात आठ नौ पाई इन्हों का कोई यूनिट नहीं, पाई तुम्हें पता 3.14 नंबर है, वह कोई यूनिट नहीं है। एस सरफेस टेंशन यदा यूनिट तुम लग गया होना, डिमेंशन फार्मूला लग गया होना, यह क्या होंगे, हाँ सरफेस टेंशन फोर्स वटा लेंथ, तो फोर्स वटा लेंथ जो करोगे तुम एम वन एल जीरो टी माइनस टू आ जाऊगा सरफेस टेंशन का। एंगल का कोई भी डिमेंशन फार्मूला नहीं होता, एंगल है जरा ए साइड बटा साइड होता है, जिवें कॉस थीटा मैं कहवा तो कॉस थीटा थोड़ा पता बेस बटा जिसमें तुम पंजाबी पढ़ते हो आधार बटा कर्ण, कर्ण होता हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस भी एक लेंथ है, हाइट भी एक हाइपोटेनियस भी एक लेंथ है, तो एल बटा एल हो गया, एल नाल एल कट जाता है, यदा कोई भी डिमेंशन फार्मूला नहीं होंगे, इन लिखने की लड़ नहीं होंगी, इन कह देने नॉन डिमेंशन, नॉन डिमेंशन, तो यदा कोई डिमेंशन नहीं है, इन लिखने की लड़ नहीं है, एंगल में चाहे कॉस हो चाहे साइन हो चाहे टैन हो। रेडियस का स्केयर, रेडियस एक लेंथ है तुम्हें दसिया सी, तो इतने आ जाएगा एल का स्केयर, रो की है डेंसिटी, मास वटा वॉल्यूम, मास एम वटा वॉल्यूम करांगा वटा एल माइनस थ्री आ जाएगा। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, जी की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहला होगा एक्सेलरेशन है एल वन टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही पर ग्रेविटी करके है, तो इसको जब मैं सॉल्व करांगा देखो हूँ ऊपर पिया एम वन एल जीरो टी माइनस टू, नीचे की बनता हमारे को एम वन कला ही है, ठीक है जी, एल टू एल माइनस थ्री, ए एल माइनस वन है, ए एल वन है, देखो ए कर गया एल वन एल टू प्लस एल वन एल थ्री, ए एल माइनस थ्री है, एल तक खत्म ही हो गया, टी देखिए अब टी देखिए हम टी माइनस टू है, गला लो जी नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व करके आ गया साढ़े को एम वन टी माइनस टू, हूँ एम वन उपर भी पे नीचे पे एम वन खत्म, हूँ एल जीरो लिखने की जोड़ नहीं, टी माइनस टू भी खत्म, तो की आ गया यह, हाँ जी यहाँ मतलब ये भी की आ गया, यह डिमेंशन लैस हो गया, ये साढ़े को आ गया, हाँ जी की आ गया डिमेंशन लैस, हाँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। एक बार दोबारा चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड हाइट, हाइट का एल वन, राइट हैंड साइड में चलिए तो साढ़े को आ गया एम वन एल टी माइनस टू, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है फोर्स वटा लेंथ, ता फोर्स तुसी जानते हो एम वन एल वन टी माइनस टू से वटा लेंथ करांगे, लेंथ ना लेंथ कर गया ता ये सरफेस टेंशन बन गया एल जीरो टी माइनस टू, फिर आर का स्केयर जान के लेंथ का स्केयर, रेडियस का स्केयर, मास वटा वॉल्यूम एम वन एल माइनस थ्री, ये आ गया एल वन टी माइनस टू, एक्सेलरेशन ता हुण मैं जो देखो एल टू ते एल वन एल थ्री, ये माइनस एल थ्री है कैंसल हो गया, एम वन रह गया टी माइनस टू रह गया,
ठीक है, इधर चलते हैं दूजे न्यूमेरिकल पे, तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है एस, डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस की होता है एल वन, सिर्फ एल। राइट हैंड साइड की गल करिए, U की है वेलोसिटी L1 T माइनस वन, नाल T की है कला टाइम प्लस वन बाय टू, नंबर का कोई वो नहीं है, यूनिट नहीं है। एक्सेलरेशन L1 T माइनस टू, ते आ गया T का स्क्वायर, सॉल्व करिए T प्लस T माइनस टू, T1 माइनस प्लस T1, ये माइनस T1 है, ये प्लस T1 कैंसल, L1 रह गया कला प्लस, इधर t माइनस टू प्लस टी टू खत्म, एल वन रह गया। तो एल प्लस एल की होता है एल, तुम्हें पता एल प्लस एल, एल ही होता लेंथ, लेंथ जोड़ा लेंथ ही मिलती है। तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, फॉर्मूला इज करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है एल, राइट हैंड साइड का सॉल्व करके दिया गया एल, तो फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, देखो इस तरह आप जो न्यूमेरिकल है वो होर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करना थोनों ये दोहे जिहड़े एप्लीकेशन सी समझ आ गई, तो इस तो बाद असीं करांगे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस।